नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर गंगा की बड़ी बहन देवका तट पर। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि नौ नवरात्रे पूरे हुए, रामनवमी के दिन लोग साख परवाने के लिए देवका तट पर आते हैं। घर में पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद इस साख को यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लोग साख प्रवाहित कर रहे हैं। ये देवका, गंगा की बड़ी बहन देवका कहा जाता है, देवका तट कहा जाता है इसे, और काफ़ी लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। भगवान शंकर आप शंभू यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। लोग स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, अन्नदान किया जाता है और उसके बाद साख को प्रवाहित किया जाता है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम आपका नाम बताएं। मेरा नाम निशा है। मैम ये बताएं कि साख क्यों लगाई जाती है घर में? ये हम समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए लगाते हैं। माता रानी की सब पे कृपा है और हम सब लोग जो है चाहते हैं कि हमारा जो माता रानी की कृपा है सदा हमारे पर बनी रहे और घर पर सुख शांति और समृद्धि आए। आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि घर की सुख शांति के लिए घर में ये साख लगाई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी साख प्रवाहित कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जाती है। ये गंगा की बड़ी बहन देवका तट माना गया है इसे, और काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी रहती है यहाँ पर। और कोई भी त्यौहार हो, बैसाखी हो, शिवरात्रि हो, सोमारी मस्या हो, लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान किया जाता है, अन्नदान किया जाता है और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। आप शंभू मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं और लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की जाती है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं आई हैं, यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी पूछना चाहूँगा। मेरे साथ ये भी मैम, एक मिनट, अपना नाम बताएँ। पूनम। मैम ये साख क्यों लगाई जाती है घर में? साख ये माता रानी को बुलाया जाता है घर में कि हमारे घर में सुख समृद्धि दे। कितने दिन पूजा की जाती है? नौ दिन पूजा की जाती है। तो आज आप यहाँ पर प्रवाहित करने के लिए? हाँ जी, आज प्रवाहित करने। क्या मानते हैं आपकी, एक तरफ स्वच्छता के लिए कहा जाता है कि देवका को स्वच्छ रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, हाँ जी, लेकिन आप देखिए कि कितने यहाँ पर पॉलिथीन के लिफाफे लोगों द्वारा फेंके गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी देवका माता है, ये हमारी माँ है, जिस तरह हमें अपने माँ की ध्यान रखना है, इसी तरह हमें देवका माता का भी ध्यान रखना है। ये देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि देविका, एक तरफ स्वच्छता की बात कही जाती है कि देविका को साफ सुथरा रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आकर पॉलीथीन के लिफाफों को भी यहीं फेंका जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं फिर कैमरामैन से कहूँगा, वो देखिए पीछे काफ़ी लिफाफे यहाँ पर रखे गए हैं, फेंके गए हैं। स्वच्छता की बात की जा रही है, लेकिन जब मेरी महिला से बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम अपनी माता की, अपनी माँ की देख रेख करते हैं, उसी तरह से इस माँ की भी देख रेख करनी चाहिए और यहाँ पर लिफाफे या कोई ऐसी वैसी चीज़ ना फेंकी जाए जिससे कि लोगों को भी परेशानी उठाना पड़े। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। सुरेंद्र एडवोकेट जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर साख क्यों लगाई जाती है घर में? आपका विराचल में स्वागत है सर। थैंक यू। और ये बताएं कि ये साख लगाई जाती है, लोग पूजा अर्चना करते हैं, देखिए क्या महत्व है? देखिए हमारा जो प्रांत है, यहाँ पर नौ देवियों का और खासकर माता वैष्णो का बड़ा ही महत्व है। आप देखेंगे कि नवरात्रे जो हैं वो नौ होते हैं और नौ देवियों की पूजा जो है वो की जाती है, और माता के प्रीतर्थ, माता को प्रसन्न करने के लिए घर में खेती या साख जिसे हम कहते हैं वो बीजी जाती है। और नौ दिन आप देखेंगे कि 100% लोग जो हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं वो सात्विक भाव से माता की पूजा करते हैं, और रामनवमी के दिन जो है साख का विसर्जन जो है किसी भी पवित्र नदी में, चाहे वो तभी हो, चाहे देविका जी हो या और कहीं भी है, वो उनका विसर्जन किया जाता है। और ये नौ नवरात्रे जो हैं ये माता को खुश करने के लिए हैं कि हे माता, आने वाले समय में, आने वाले साल में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुख समृद्धि रहे, धन दान की कोई कमी ना हो, और हे माँ हम पर कृपा करो, हमारे परिवार को खुशहाली जो है वो बख्शो। सुंदर जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि स्वच्छता को लेकर लोगों को कई बार जागरूक किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो लोग यहाँ पर साख प्रवाहित करने तो आते हैं, पॉलीथीन के लिफाफों को भी यहीं पर रखा जाता है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को?
देखिए मैं तो यही कहूँगा कि पॉलीथिन का लफाफा लेके ना आए, अगर आए भी हुए हैं तो देविका के किनारे जो डस्टबिन लगे हुए हैं उनमें जो है वो लिफाफे डालें, ताकि देविका की पवित्रता जो है, जो स्वच्छता जो है वो बनी रहे। आपने देखा कि ये थे देविका थर्ड के पुजारी सुरेंद्र एडवोकेट। उन्होंने बताया कि 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है घर की सुख शांति के लिए। लेकिन मैं फिर दोबारा से मैं उसी मुद्दे पे आऊँगा कि एक तरफ कहा जाता है कि स्वच्छता को लेकर सरकार की ओर से कई तरह के अभियान छेड़े जाते हैं कि स्वच्छता बनाई रखी जाए, भारत स्वच्छ किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये गंगा की बड़ी बहन है, देविका तट इसे कहा जाता है और काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। लेकिन मैं फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे कैमरा फिर घुमाएं और देखें क्या हालत है। यहाँ पर पॉलीथिन के लिफाफों को यहीं पर छोड़ा जा रहा है, हालांकि डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके बाद भी लोग शायद मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरे साथ समाज सेवी के अमन शर्मा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे भी इस मुद्दे के बारे में पूछूंगा कि अमन जी ये बताएं कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि स्वच्छता रखी जाए, बनाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो काफ़ी बड़ा तीर्थ माना जाता है इसे, और यहाँ पर लोगों द्वारा पॉलीथिन के लिफाफे हों या घर का कूड़ा कचरा हो वो भी यहाँ पर रखा जाता है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए रवि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज एक हमारी रामनवमी है, आज के दिन एक ऐसा रिचुअल है कि जो सांख घर पे लगाई होती है उसका विसर्जन होता है, वो तभी नदी या देवका में होता है। अब इसके साथ साथ लोगों, आप देखिए मैं यहाँ सांख विसर्जन की जिस लिफाफे में मैं सांख लेकर आया था, मैं उस लिफाफे को वापस लेके जा रहा हूँ। लोगों को ये खुद समझना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ सांख विसर्जन करने आए हैं, ना कि पॉलीथिन विसर्जन करने आए हैं, ना कि जो हमारे घर के जो कूड़ा करकट है, जो फूल हैं, जो सामग्री बची हुई है उसको यहाँ फेंकने आए हैं। तो ये लोगों को खुद सोचना होगा। और बेसिकली बात ऐसी है कि पहले दिनों में आप हम जानते हैं कि जब बचपन में ये देविका नदी थी तो इसमें काफ़ी पानी हुआ करता था, हम इसमें नहाया करते थे और जो लोग सांख विसर्जित करते थे वो सांख यहाँ से विसर्जन हो भी जाता था। अब आप देख सकते हैं कि इस देविका की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं बचा है, जो भी लोग इसमें सांख सिर्फ डालते हैं वो सारी यहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो मैं बस ये कहना, लोगों को भी ये खुद सोचना चाहिए कि क्या हम यहाँ सांख विसर्जन कर रहे हैं तो क्या पॉलीथीन इसमें डालना ज़रूरी है, क्या चुनिया डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये नचो सी बात है, ये ना गलेंगी ना सड़ेंगी, जिसके कारण ये है देवका अशुद्ध होगी। तो ये हम लोगों से कह सकते हैं। और दूसरा ये आप हर जानते हैं कि नवरात्रों से पहले जो बैसाखी आती थी, हर साल बैसाखी में यहाँ काम होता था, ये जो देविका के ये जो आप देख रहे हैं इसे पूरी तरह से साफ किया जाता था, इसे थोड़ा गहरा किया जाता था ताकि जो सांख विसर्जन हो सांख आगे निकल जाए। तो वो काम आप देखें, अभी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं तो उन डेवलपमेंट के आगे जो है आप देख रहे हैं ये जो चीज़ें हैं वो सामने धरी की धरी रह गई हैं। आपने देखा कि ये थे अमन शर्मा जी, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि लोगों को भी खुद ये सोचना होगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर पंजाब केसरी के रिपोर्टर पत्रकार हैं यहाँ पे सौरभ जी, मैं सौरभ जी से भी पूछना चाहूँगा कि सौरभ जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का ये जो सामने नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पॉलीथिन के लिफाफों को यहाँ पर रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा आस्था का जो नवरात्रे हैं, सबसे बड़े खुद लोगों को इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर एक आस्था के साथ जुड़े आप कोई धार्मिक काम कर रहे हो, देवका को आप पूछते हो, गवर्नमेंट से आपने इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट लिया देवका को साफ कराने के लिए, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी की बारी आती है तो वही शहर का जो गंदगी है, वही कूड़ा है। आज पॉलीथीन आप सामने देख रहे हो, अभी यहाँ पे एक चुनरी पड़ी थी जिसमें ओम माता की तस्वीर बनी थी, लोगों ने वो भी पैरों में फेंकी थी। तो कहते हैं कि सिर्फ जो कमजोरी है सिर्फ आम आदमी की है, ना नेता कुछ कर पाएगा इसमें, ना कोई बड़ा लीडर DC कुछ कर पाएगा। अगर जब तक आम आदमी अपने आप को खुद समझदार नहीं बनाएगा और ये जो गंदगी आज खुद फैला रहे हो, उसी को पूजा उसको गंगा का बड़ी बहन बोलते हो, खुद उसी की आज बेइज्जती कर रहे हो, उसी का अपमान कर रहे हो, तो आपके जब खुद आप कुछ नहीं कर रहे तो आपके लिए सरकार क्या करेगी, आपके लिए दुनिया बाकी जो शहर के DC VC वो कितना स्टेप उठा लेंगे कोई बड़े। आपने देखा कि ये थे सौरभ जी पंजाब केसरी के ये पत्रकार हैं, इनके द्वारा भी जब तक लोग खुद नहीं मानेंगे, जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे तब तक ये स्वच्छता नहीं होगी। भारत सरकार की ओर से तो कई बार जागरूक किया जाता है कि स्वच्छता बनाई रखी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो हम खुद इस चीज़ के जिम्मेवार हैं, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक किस तरह से ये स्वच्छ भारत बनेगा। कैमरामैन रशपाल सिंह के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।